गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती हूँ। सेंसर्ड वीडियो। सो सुबह के बज रहे हैं 7:30। अब जो मैं उठ ही गई हूँ झक मार के, तो मैं एडिट्स कर लेती हूँ कुछ एंड फिर शाम को वीडियो अपलोड भी करना है। कल रात को बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है एंड मौसम बहुत अच्छा दिखा, मौसम मस्ताना। कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा इतने में, रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आहा, लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सुबह उठने का ना एक फ़ायदा तो है कि ये सब देखने को मिलता है, बारिश 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 बारिश। दैट हैज बिकम माय फेवरेट वर्ड एक्चुअली। मेरे कपड़े गीले हुए नहीं, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अभी कपड़े धोने थे, अभी बारिश हो गई, कैसे धोएगी मैं, पूरा भरा पड़ा है कपड़ा। देखो अभी क्या करते हैं, चलो। गुगी मेरी गुगी, आज का पानी चेंज होगा, मेरी प्यारी गुगी। अच्छा क्या हो गया, हाथ लगाते ही शांत, देख रहे हो, हाथ लगा दो। गुगी मम्मा की प्यारी बेबी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मैं 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाती शाम में, और आज उनमें से दिन है जो मुझे रात से भूख लगनी शुरू हो गई थी और अभी 8:00 बजे हैं, तो मेरे पास 1 घंटा है जिससे पहले कि मैं कुछ नहीं खा सकती। और आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। सो अभी मैं अपने आप को इधर उधर काम में यू नो लगाऊंगी, सो दैट मेरा थोड़ा ध्यान भटके। देखो जब आपको भूख लग रही होती है ना, तो आपको सकता है पूरी दुनिया रुक चुकी है। तो अभी मेरे पास 1/2 घंटा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकन कीमा बना लूँ, बिकॉज मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब तो शायद 9 भी बच जाए। आज संडे है तो मैं नहाऊंगी तो लिखती। मम्मी आप क्या खा रहे हो? मैं सिर्फ आलू का पराठा टेस्ट कर रही थी, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा मम्मी आप आलू का पराठा खा रहे हो और दुनिया पूरी दुनिया को कहते हो हेल्दी फूड खाओ। देख ज्यादा वो बस मानता बन, मैं पूरे हफ्ते भर हेल्दी फूड खाती हूँ, एक टाइट चीट मील तो बनता है यार। तो अच्छा अभी तक ब्रश भी नहीं किया, चल चल चार्ज। तुझे आलू के पराठे के साथ सब्जी दे दूं? अरे यार मम्मी आलू के पराठे के साथ सब्जी कौन खाता है? मुझे सबका क्या पता, मैं सबकी मम्मी थोड़ी ना, मैं तेरी मम्मी हूँ। अच्छा सो थोड़ा सा घी ले ले, घी तो डाल दूं। हाँ ठीक है। दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि ये बच्चा कितना झूठा। देखो मैंने सिर्फ एक बाइट मैंने लिया है और इसका आलू के पराठे और मेरा ओट्स, पानी ज्यादा हो गया है बट ओट्स एंड प्रोटीन। कपड़े संभालने के अलावा ना मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। मैं कपड़े संभालती रहती हूँ, शहर गंदा फैलाता रहता है। मैं कपड़े संभालती रहती हूँ, वो गंदा फैलाता रहता है। मैं ज्यादा चेंज करती रहती हूँ, वो गंदा फैलाता रहता है। मतलब मेरी जिंदगी में इस इन सब कामों के अलावा कुछ नहीं बचा है, मुझे ऐसा लगता है। श्रेयांश हो गया तुम्हारा खाना पीना? श्रेयांश हो गया? यार मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चा वॉशरूम में इतनी देर करता क्या है? अभी टीनेज भी नहीं है कि मैं सोचूं कि यू नो ऑब्वियस रीजंस, इतना अंडा बच्चा है वॉशरूम में 1 घंटा बैठ रहता है, करता क्या? और ये क्या मतलब, आप लोगों के साथ भी होता है क्या, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं कि जैसे आप उन्हें पढ़ाने लिखो लगो या आप उसे खाना देने लगो या आप उनसे कोई काम बोल दो तो उनको बाथरूम जाना होता है?
कि मुझे तो जाना है बाथरूम, ये आपके आपके बच्चों के साथ होता है। वैसे से मैं टीवी देखने को बोलती हूँ तो ये दो दो तीन तीन घंटे बगैर पानी पिया बगैर हिले देख सकता है। आई रियली डोंट नो ये मेरे बच्चे के साथ होता है कि सारे बच्चों के साथ होता है, कॉमेंट करना बताना मुझे। और आज वो दिन है जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने कुछ कुछ कुशन कवर्स खरीदे थे और वो मैं अभी तक खोल नहीं पाई हूँ, तो अब हम खरीदेंगे नहीं हम खोलेंगे। एंड शायद अपना साइनमेंट करेगा एंड मैं चाय पीऊंगी और शायद जूस पिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, ये कुछ कुछ सामान है जो कि मैं लेके आई हूँ अमेजोन से एंड ये हफ्ते से मेरे पास पड़ा है एंड आज मैं इसको खोलूंगी। इसका मतलब मैंने फिर से फिजूल खर्ची करना शुरू कर दिया। I told you no, I don't like this child at times. ये बच्चा मुझे कतई पसंद नहीं आता है कभी कभी। इसकी बात को completely ignore करते हुए, बिल्कुल ignore करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो ऑलरेडी खुला हुआ है, ये मैंने सिर्फ कुशन कवर्स खरीदे हैं क्योंकि मेरे कुशन कवर्स ना 5 साल पुराने हैं। फिजूल खर्ची का बच्चा, 5 साल पुराने हैं मेरे कुशन कवर्स, 5 साल से मैंने कुशन कवर्स खरीदे नहीं है, उसी से काम चला रही हूँ मैं। किसी को नहीं, ऐसे बस ऐसे बता रही हूँ मैं, ऐसे मैंने किसी को बोला नहीं। तो ये वाले बहुत सस्ते हैं, आई थिंक ये मैंने अमेजोन से खरीदे थे और ये 300 रुपए के थे, 299 के 5 कुशन कवर्स। बट आई रियली लाइक व्हाट इज रिटन, आपको उल्टा नजर आ रहा होगा बट जला लेना यार। बट और ये मैं ड्रॉइंग रूम में नहीं, ये मैं श्रेयांश के रूम में लगाऊंगी। बट इसका ना मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं, 300 रुपए में आप क्या जान लोगे लोगों की। और ये गलती से मैंने 2 ऑर्डर कर दिए थे तो एक मैंने मम्मी को दे दिया है, बिकॉज अभी 2 का मैं क्या करती हूँ। एक और क्वेश्चन कवर, सारे क्वेश्चन कवर्स मिलेगा और क्वेश्चन खरीदा मैंने। एक और क्वेश्चन कवर है, इसका मटेरियल थोड़ा सा बेटर है, उसमें स्पंज था इसमें स्पंज नहीं है। एंड ये मुझे मतलब आई लाइक सच कलर्स यू नो, ये ऐसा दूसरा तीसरा, अब तुम क्यों देख रहे हो, चौथा एलिफेंट शियांसी तुम बने हो इसमें, अरे मैच ये है, आई रियली लाइक देम। और कुछ ज्यादा हो गया यार, अरे तो मुझे लगता था शायद मैंने सिर्फ 2 ही ऑर्डर किए हैं, 3 ही ऑर्डर किए थे, ज्यादा कैसे हो गए। अच्छा एक्चुअली क्या हुआ, हाँ मैंने ना मम्मी के लिए 2 पिलो कवर्स लिए थे और मैंने अपने लिए ये लिया था, अपने लिए मैंने कुशन्स लिए थे। तो मुझे लगा कि मम्मी के, मैं गलती से मम्मी के अपने कुशन्स मम्मी के पिलो कवर देख के सोच के आ गई थी, तो इसलिए वो वाला खुला होता है। ये पिलो कवर्स हैं एंड दीज आर नाइस यार, है ना, मुझे अपने लिए भी शायद अच्छे हैं ना। मम्मी को ब्लू कलर के पिलो कवर्स चाहिए थे तो, और एक और था सेट वो मम्मी को मैंने दे दिया। दीज आर नाइस है ना, शायद हम भी ऐसा खरीद सकते थे अपने लिए। बट अपने पास काफ़ी सारी चादरें हैं, मतलब आई थिंक बहुत चादरें हैं मेरे पास, तो उसके साथ सबके साथ के पिलो कवर्स हैं। बट आई रियली लाइक दिस वन, आई थिंक ये सबसे अच्छा है अभी तक का, मम्मी का सामान अच्छा आया, मेरा सामान अच्छा नहीं आया। आई डोंट लाइक दिस, ऐसे कैसे, क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या, दूसरे का सामान अच्छा आ जाता है तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे से लगता है दिल में, ऐसे करके चुपता है दिल में थोड़ा सा, ऐसे जेलसी नहीं बोलते हैं इसको बट लगता है कभी कभी। अच्छा ये तीसरा सेट ऑफ, मैंने बोला ना मैंने ज्यादा नहीं लिया शायद, मैंने बोला था तुमको कि मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं। ये ब्लैक ग्रे सा है ना, ये कलर ग्रे नहीं है, ये ब्लू है शायद, क्या हो गया तुमको प्राइस, मतलब ये लाइन, ये पर साइज में छोटे हैं पता है शायद, ये वाले तुम्हारे बेडरूम में आ सकते हैं क्योंकि ये ना छोटे हैं साइज में, बाकी के 2 बड़े थे। और ये महंगा भी है देखो, दिस इज नाइस, ये कितने का आया, नहीं ये सस्ते वाला है, ये 299 वाला है शायद, पता नहीं अभी मैं सब कंफ्यूज हो गई। और एक और डब्बा था, इसमें ना मैंने कैस्टर ऑयल खरीदा है बिकॉज आई उसको ना अगर बाकी के ऑयल से मिक्स करके लगाओ आप अपने बालों पे तो आपके बालों का झड़ना जो होता है कम हो जाता है, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इससे मैंने, और मेरे पास यहाँ पे ना कैस्टर ऑयल मेरे पास था भी नहीं तो मैंने इसलिए कैस्टर ऑयल मंगाया है। Now if you see my hair glowing, you'll come to know कि मैंने कैस्टर ऑयल इस्तेमाल किया है। तो जी ये थे 3 कुशन कवर्स मेरे पास, सिर्फ मेरे पास 3 सेट ऑफ कुशन हैं और मेरे पास सिर्फ 4 कवर है। आई हैव ओनली 4 भी नहीं, हाँ आई हैव ओनली 4 कुशन कवर्स,
तो चेंज वेंज करने के लिए चाहिए रहता है यार, ऐसे क्या। अब मैं इसे ड्राइंग रूम में लगाऊं, किसको लगाऊं, किसको लगाऊं, कौन सा लगाऊं, आई एम कंफ्यूज। अब देखते हैं, चलो चलो तुम असाइनमेंट शुरू करो। मैं पीऊंगी अपनी चाय, मैंने आज सुबह तक सुबह से चाय पी नहीं है, सब मैं संभालती हूँ, फेंकती हूँ जिसको जहाँ जहाँ फेंकना है, और उसके बाद में फिर चाय। शानू खाएगा राजमा चावल, रायता, मिंट मिंट रायता एंड शाही पनीर। शाही पनीर किसने बनाया शान? नानी ने बनाया। चलो लेट्स आक्रमण, लेट्स ईट। व्हाट हैपेंड, मैंने कपड़े चेंज किए एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया वर्कआउट करने का। और ये होता है जनरली, आप जब मंडे से सैटरडे बहुत हेक्टिक जॉब रहती है तो संडे को यू वांट द वीकेंड टू योरसेल्फ, और इवनिंग में वैसे भी कुछ करने का मन नहीं करता, इसलिए मैं मॉर्निंग में करती हूँ। बट आज मैंने मॉर्निंग में भी स्किप कर दिया और मैं इवनिंग में मेरा मन नहीं है एंड अब मैं मंडे टू सैटरडे वर्कआउट करूँगी और शायद मूवी देखूँगी, कंप्लीट करूँगी जो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो या दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी है कल के लिए। शानू गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट। एंड यहाँ पे मेरे कपड़ों का हाल देखो, ये मेरा पूजा रूम है, आप लोगों ने पहले देखा है। यहाँ पे मैं पंखा रात भर छोड़ दूंगी, सॉरी लाइट ऑफ कर दी, पंखा रात भर छोड़ दूंगी मैं यहाँ पे ताकि मेरे कपड़े सूख सके, ठीक है, पंखा कुछ ज़्यादा ही तेज है, ताकि मेरे कपड़े सूख सके। और मैं अपने रूम में आ गई हूँ एंड वी विल कॉल इट अ नाइट, क्योंकि अब मेरी तो बैंड बज चुकी है एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। शांच कम हियर, शांच एंड मी, हम लोग कुछ अच्छा सा देखेंगे ना। हाँ, कुछ अच्छा सा देखेंगे और फिर हम रात में सो जाएंगे। सो दिस इज वी साइनिंग ऑफ, क्या बोलते हैं हम, डू नॉट फॉरगेट, उधर देखो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज लाइफ पल्लवी एंड यू। मेरा राजा, मेरी आंखों का तारा, फिर बुढ़ापे का सहारा, माय लाइफलाइन। सो गाइस वी विल बी साइनिंग ऑफ टुडे, मोटा बच्चा, वी विल बी साइनिंग ऑफ टुडे एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, प्लीज कमेंट हियर। बाय।